मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। लगातार अनंत सिंह मामले में जो प्रकरण हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि वो वीडियो विवेका पहलवान के घर का है, लेकिन क्या पुलिस अब जांच करेगी? पुलिस को जांच करना चाहिए। बिहार पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? हमारे साथ राजद के विधायक शिवचंद्र राम जी हैं। सर, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद विवेका पहलवान कह रहे हैं कि वो गन जो है वो प्लास्टिक का है। देखिए, जिस तरीका का बिहार में घटनाएँ घट रही है, जिस तरीका से पुलिसिया जुल्म के साथ साथ जिस तरीका का लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप हो रहा है, तमाम जगहों पर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नाकामयाब साबित हो रहे हैं। जिस तरीका से अनंत सिंह जी के यहाँ AK-47 पकड़ने की बातें आई, सामने आई, बार बार अनंत सिंह जी कहते रहे कि हमारे घर में नहीं, विरोधियों ने हमारा किया, लेकिन कल हमने भी एक TV के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि वीडियो वायरल है। AK-47 करने का मतलब साथ में दो हाथों में लेकर करके और लोग भाँज रहे हैं। अभी तक सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, सरकार को चिंतन और मंथन करना चाहिए और इसको छानबीन करना चाहिए। और इस तरीका का माने बंद रूम में बैठ कर करके और AK-47 दिखाना, वीडियो वायरल करना, ये बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, आप जो है कि आप ये कह रहे थे कि हमारे राज्य में कोई अपराधी बच नहीं पाएगा, तो ये कैसा अपराधी है, कैसे लोग हैं, क्या है, आपको किससे डर है जो आप इसको अभी तक के छान भी नहीं? न DGP का अभी तक इन पर कोई न्यूज अति आया है, न IG ने SP का कहे कि इस पर कोई अब वक्तव्य आया है। तो क्या बिहार सरकार इसको जाँच कराएगी और जाँच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कराएगी? विवेका पहलवान कहना है कि वो गन जो है वो प्लास्टिक का है, या बात इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। और जांच में इतना विलम्ब क्यों? 12 घंटा सुपर जांच विलम्ब क्यों? अगर ये जांच, अगर सरकार जांच नहीं कराई तुरंत, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये साजिश मानी जा रही है। सरकार नाकामयाब है, सरकार फेल्यूर है और सरकार किसी न किसी आदमी के दबाव में ये सत्ता चला रही है। अनंत सिंह जिस तरीके से शुरू से आरोप लगाते आ रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो सच होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अब अनंत जी का जो बातें हैं, अनंत जी का जो AK-47 कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्या है, तो ये सब जांच का विषय है ना। जांच में क्या होगा क्या होगा, लेकिन जिस तरीका से अनंत सिंह बराबर कहते रहे हैं कि भाई हमने नहीं, जहाँ मैंने 14 वर्षों घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद जो है हमारा जो है कि वहाँ पर किसने रख दिया, क्या कर दिया, और आज जो है कि वायरल हो रहा है, तो जिस तरीका से अनंत जी किसी पर जब चोट करते थे, ये स्थिति को मैंने जो मामला को देखा है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अनंत सिंह जी का कहना सही है। अच्छा, शिवचंद्र राम यदि कहीं नहीं जाते हैं 14 साल से और कोई आपका घर है वहाँ पर नहीं जाते हैं और वहाँ पर बंदूक बरामद होता है, तो क्या उसके लिए शिवचंद्र राम दोषी होंगे? नहीं, देखिए, ऐसे स्थिति में मान के चलिए कि वहाँ पर अगर बंदूक बरामद होता है, तो सरकार मान के चलिए कि इसकी जांच करनी चाहिए, जांच सही से होना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए था कि जो कि हाँ ये हुआ तो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब का है, किसका है, क्या है, और जांच करने के बाद हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पूरे बिहार में AK-47 लहरा रहा है, रूम में लहरा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, कैसी सुशासन की सरकार है, कैसा बाहर है? देखिए, हमारा तो कहने का मतलब ये कि क्या है, ये पहले बोलते थे कि नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, लेकिन हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार है अपराधियों का बाहर है। इनका सफाई फेल हो चुका है, ये जंगल राज नहीं महाजंगल राज हो चुका है। कोई लोग सुरक्षित है क्या? कोई व्यापारी सुरक्षित है क्या? एक किसान का बेटा सुरक्षित है क्या? क्या छात्र सुरक्षित है क्या? क्या व्यवसायी सुरक्षित है क्या? क्या जो है कि जो पदाधिकारी कर्मचारी सुरक्षित है क्या? क्या कोई ठेकेदार और पत्रकार सुरक्षित है क्या? क्या कोई राजनेता कोई सुरक्षित है क्या? हर लोग आज के डेट में सारे लोग भयभीत है और भयभीत होकर कर और उस तरीका से काम को कर रहे हैं। जिस तरीका से जो पदाधिकारियों का जिस तरीका से बाहर हो गया है बिहार में, तो किसको डर नहीं लगता है? जब DGP कहते हैं कि हमको भी ऐसा हो सकता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप अपराध नहीं करें, कर जोर करके करें, उस राज का क्या हो सकता है? भगवान ही बचा सकता है। देखिए, भगवान ही बचाए इस राज को। बिहार में कैसा बाहर है, कैसी सुशासन की सरकार है, ये तो खड़ा आने वाला समय ही बतलाएगा। जनता 2020 में क्या कुछ जवाब देगी, उससे भी हम पूर्व रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है वो आप देखते रहें, लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आप पूर्व कर सकें। धन्यवाद।